करके इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। मैं तो समझता हूँ कि सब पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होके और एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि ये हुकूमत चल नहीं सकती। तजर्बाकार इनकॉम्पिटेंट एक खलंडरों का टोला है जो इकट्ठे होकर हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लीग नून अलहदा पार्टी है, पीपल्स पार्टी अलहदा पार्टी है, इत्तेहाद बहुत जल्द बनने जा रहा है। पाकिस्तान तारीख के सबसे ज्यादा करप्ट सियासतदान आसिफ जरदारी हैं, हमने उनको नहीं छोड़ना। साफ नहीं, अब तादाद 126 हो चुकी है, कानून की गिरफ्त जो है वो मुजरिमों के गिरफ्त जितनी तंग हो चुकी है। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में, मैं हूँ महरुख कुरैशी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो चुके हैं और रवां साल अगस्त में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद ये उनका दूसरा दौरे सऊदी अरब होगा। पहले दौरे सऊदी अरब के अंदर जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अहदाफ थे वो हासिल ना हो सके और अब हम देख रहे हैं कि उनका जो दूसरा दौरा सऊदी अरब है वो सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब में होने वाली एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन शिरकत के लिए जा रहे हैं। ये बैनुल अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस है जहाँ तक बताया जा रहा है और ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 23 से 25 अक्टूबर को होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के जो डे वन है उसमें इमरान खान साहब शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में दुनिया की सरकर्दा कारोबारी शख्सियात, इसके अलावा सरमायाकार, बड़ी कंपनियां, टेक्नोलॉजी हब्स और आलमी मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं वो शिरकत कर रहे हैं और जो ज़राए अबलाग हैं वो इस कॉन्फ्रेंस को डेविस इन डेजर्ट का नाम भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख्वाजा के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ के जो इजलास होगा उसमें शिरकत करेंगे। बेसिकली इमरान खान साहब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर सरमायाकारी के इम्कानात और मौके जो पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं इस हवाले से बातचीत करेंगे। हमने देखा भी मुतअद्दिद डेलीगेशंस जो हैं सऊदीया समेत उनका गवादर में विज़िट भी हुआ है। अब बाज़ तज़ज़ियाकार इस दौरे की टाइमिंग के हवाले से सवालात उठा रहे हैं, इसको अहम करार दे रहे हैं नाज़रीन, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की इक़्तिसादी पोजीशन इस वक्त देखें तो हमारे मौआशी हालात इंतहाई अबतर हैं और इस वक्त हमें फ़ौरन एक बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है जिसकी माली तकरीबन 10 से 12 मिलियन डॉलर्स बनती है। अब दो रास्ते हैं, एक तो दोस्त ममालिक, दूसरा IMF। IMF के पास जाने के हवाले से हुकूमती तैयारी मुकम्मल है, लेकिन अभी आपको मालूम होगा कि अभी रीसेंट स्टेटमेंट भी हुकूमत की आई है इमरान खान साहब की जानिब से और उन्होंने एक मरतबा फिर से ये कहा है कि जी शायद हमें IMF के पास ना जाना पड़े। अब वो इसी तनाजुर में कहा है क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो दौरे सऊदी अरब पर रवाना हो रहे हैं, लिहाजा एक जो तासर बिल्टअप हो रहा है वो ये भी हो रहा है कि इमरान खान साहब इस दौरे में कोशिश करेंगे इमदाद के हसूल के लिए मुकम्मल बेल आउट पैकेज ना सही, लेकिन एटलीस्ट इतना कि जिससे कम से कम IMF के साथ जो मुज़ाकरात हों वो फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो हो सके। क्या ऐसा मुमकिन होगा या नहीं होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दौरे सऊदी अरब जो पहले वाला था उसके बाद तो कोई अचीवमेंट ऐसे सामने नहीं आई। पहले कहा गया जितने पैसे आएंगे, फिर कहा गया कि वो कोई प्लांट लगाएंगे, तो और अब दूसरे दौरे के लिए भी हम जा रहे हैं। एक बात ये भी है कि ये खबर जो सामने आई है दौरे की वो तब सामने आई जब इमरान खान साहब ये कह चुके थे कि शायद IMF के पास ना जाना पड़े, लिहाजा 7 नवंबर को IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो मुतवक्के हैं, तो उससे 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब का ये दौरा भी है और ये खबर भी सामने आई है। तो अगर कुछ हालात बन पाते हैं तो शायद इट इज़ अ प्रॉबिबिलिटी कि शायद पाकिस्तान IMF के पास ना जाए, लेकिन क्या सऊदी अरब इतना बड़ा अमाउंट प्लेज करेगा या नहीं करेगा और अगर वो करेंगे तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या डिज़ायर्स होंगी पाकिस्तान से, इस पर भी मैं बात करूँगी। नाज़रीन, इस कॉन्फ्रेंस में 90 मुल्कों के तकरीबन 3500 से ज़ायद मंदू जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और इसके अलावा एक अहम जो इस वक्त सिचुएशन सऊदी अरब में डेवलप हुई है वो ये भी है कि मुतअद्दिद बैनुल अक़वामी कारोबारी इदारों के सरबराहान और अमरीका समेत मगरबी ममालिक के आला हुकाम और वज़रा ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की जो हलाकत हुई है उसके बाद प्रोटेस्ट के तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में फिर भी शिरकत कर रहा है, तो ये स्ट्रेटेजिकली कितना ठीक डिसीजन है इस पर हम बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसका मकसद सऊदी अरब में सरमायाकारी को इनकरेज करना है, वहाँ पाकिस्तान जिस नीयत से जा रहा है क्या वो अजायम हमारे अचीव हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा है और किंग सलमान ने आखिर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद ही क्यों कराई है, ये मेरे आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का मौजू होगा। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब ने जो अपोजिशन पार्टीज़ को कॉल दिए जी हुकूमत का तख्ता उलट दें, यानी वो आसिफ अली जरदारी जो इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे अब वो हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इस ईंट से ईंट बजाने के पीछे
पीछे उनको कहीं जेल की सलाखें तो नजर नहीं आ रही? आप क्या जमहूरी डिरेल नहीं होगी उनके इस कॉल से? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये मेरे प्रोग्राम मौजू होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से के जो गेस्ट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती चलूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इकबाल अहमद खान साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमील अहमद खान साहब, करियर डिप्लोमेट हैं जी, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपकी आमद का भी। इकबाल अहमद खान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इकबाल अहमद खान साहब, इमरान खान साहब जो है वो दौरे सऊदीया पर जा रहे हैं और ये पहला नहीं बल्कि उनका दूसरा दौरा है। हालाँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये प्लेज किया था कि जी हुकूमत में आने के बाद पहले 3 माह में तो कोई दौरा नहीं होगा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 3 माह के मुद्दत के अंदर अंदर ही दौरे पे दौरा हो रहा है। आप समझ रहे हैं कि ऐसी कॉन्फ्रेंस एडमिस्ट ऑल द क्राइसिस दैट सऊदीया इज इन राइट नाउ, कोई खातिर ख्वाह नतायज बेल आउट पैकेज की मद में इमरान खान साहब ला सकेंगे सऊदीया से? देखना जी, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शुबा नहीं है, और वो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने अभी अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो है डेस्परेट। अगले 2 या अगले 3 महीने में जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे और हमें फिर बैंकरप्सी की तरफ हो सकता है कि पाकिस्तान इस किस्म की सिचुएशन में आ जाए। तो उसके लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि ये दौरा इमरान खान साहब करते। सिर्फ ये वजह नहीं है, हमारे पास 2 ममालिक हैं जिनके साथ पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, एक है चीन और एक है सऊदी अरब। तो जब सऊदी अरब हमें बुलाता है या जब चीन हमें बुलाता है तो वो अलग बात कि हम पहले 3 महीने में कोई दौरा नहीं करेंगे, वो मेरे ख्याल से कोई कहने की ज़रूरत भी नहीं थी उस किस्म की चीज़। तो उसमें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उस किस्म का दौरा। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है सऊदी अरब में, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा मौका है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दुनिया के जो सरमायाकार हैं, दुनिया के बैंकर्स हैं, दुनिया के इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया के जो लीडर्स हैं, वहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, उनसे मुलाकात करने का। लेकिन इकबाल अहमद खान साहब, मैंने जो सर आपसे सवाल किया था वो सवाल ये था कि सऊदी अरब में तो उस वक्त एक क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप हुई भी है, इस तनाजुर में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका मकसद भी सऊदी अरब में सरमायाकारी इनकरेज करना है। हम तो शायद सर किसी और मकसद से जा रहे हैं। अब वो इस वक्त उनके वो इतने मसाइल में घिरे हुए हैं, क्या वो हमारे इशू के ऊपर ध्यान देंगे? क्या इमरान खान साहब सऊदी अरब से जो मसला पाकिस्तान का है कि हम कुछ इमदाद चाहते हैं सर उनसे, क्या वो इस वक्त हमारी कोई सुनवाई होगी उनके सामने? नहीं, मेरे ख्याल से बिल्कुल हो सकती है। सऊदी अरब को भी ये एहसास है कि उनको भी पाकिस्तान की तकरीबन उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें ज़रूरत है सऊदी अरब की। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये नहीं है कि सऊदी अरब में सिर्फ जो है वो सरमायाकारी हो। इसका मकसद ये है कि सऊदी अरब जो है वो एक सरमायाकारी का हब हो, वो तिजारत का हब हो, वो एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बने। और सऊदी अरब में इस कॉन्फ्रेंस में जो उनके पास इन्वेस्टमेंट सरप्लस है वो फिर सऊदी अरेबिया जो है बाहर इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो इट इज़ बोथ अ क्वेश्चन ऑफ इनफ्लोज, इट इज़ आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ आउटफ्लोज। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, सिर्फ ये बात नहीं होगी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में। आपको पता है कि सऊदी अरब से 2 या 3 अरब डॉलर सालाना जो है वो पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं वो रिमिट करते हैं बाहर। उसी तरीके से हम तेल खरीदते हैं सऊदी अरब से, उसी तरीके से सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर्स हैं। अभी जो सऊदी टीम यहाँ पे आई थी और जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी उसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है।
उसकी सक्सेस वो 100% आप गारंटी नहीं। ठीक है जमील अहमद खान साहब, इकबाल अहमद साहब कह रहे हैं कि जाना भी चाहिए था और हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है सऊदीया के साथ और चाइना के साथ और ये ममालिक जब बुलाते हैं तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, लेकिन सर ठीक है चले गए हम, लेकिन यहाँ पर हमें ये कहा गया है पाकिस्तानियों को कि शायद हमें IMF के पास ना जाना पड़े और वो हमें इसी तनाजुर में कहा गया है कि अगर कोई दोस्त ममालिक हमारी हेल्प करते हैं। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर देकर गए हैं, कौम की उम्मीदें एक तरीके से वो बढ़ा कर चले गए हैं, वापस आते हैं फिर IMF के पास जाना पड़ता है तो फिर लोग कहेंगे देखें जी एक और यू-टर्न। बट हैविंग सेड दैट, आपको लग रहा है कि खशोगी को लेकर सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस को लेकर हमारी कोई सुनवाई होगी इन टर्म्स ऑफ बेल आउट पैकेज, एटलीस्ट इतना कि हम IMF के साथ जो मुजाकरात कर रहे हैं वो फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ कर सके? जी IMF के साथ तो उस वक्त हम कर सकते हैं फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ कि जब हमारे हालात माली हालात थोड़े बेहतर हो जाए। इस वक्त तो हमारे माली हालात बड़े मखदूश है, हमारे पास 6 हफ्तों का सिर्फ रह गया है। सर माली हालात अच्छे करने ही सऊदीया गए हैं ना, मतलब आपको पता है ना लास्ट हुकूमत में भी तोहफा आ गया था एकदम से, फिर बाद में पता लगा कहाँ से आया है, तो काफी बेहतर हो गई थी पोजीशन। इसको थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देख लेते हैं ना, दो तीन नुकात मैं बताता हूँ तो थोड़ी सी ब्रॉडर इसका पर्सपेक्टिव भी आ जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि सऊदी अरब में बेल आउट देता रहा है, ये बात भी दुरुस्त है कि सऊदी अरब बहुत मुश्किल में है, ये बात भी दुरुस्त है कि सऊदी अरब पे इस वक्त दुनिया की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, ये बात भी दुरुस्त है कि इस कॉन्फ्रेंस में आप इतनी तादाद नहीं देखेंगे, यानी कि पिछली दफा जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 3500 के करीब आए थे, क्योंकि जो पहला एड्रेस हुआ था उसमें 2500 थे किसी दफा 2017 में, लेकिन इस दफा उससे भी तकरीबन मैं समझता हूँ 1/4 तो कम से कम कम होंगे, क्योंकि यूके के जो ट्रेड सेक्रेटरी है यानी कि मिनिस्टर, उन्होंने इनकार कर दिया आने से, कनाडा ने इनकार कर दिया है, अमेरिका ने इनकार कर दिया है, उसके अलावा नीदरलैंड ने इनकार कर दिया है, उसके अलावा फ्रांस ने इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ा झटका है सऊदी अरब को कि 5-6 मिनिस्टर हैं और 5-6 बड़े बड़े ममालिक के मिनिस्टर वो नहीं जा रहे हैं, गूगल, ऊबर, फॉक्स न्यूज, CNN बहुत सारे और नहीं जा रहे हैं, खुद IMF भी नहीं जा रहा, IMF के हेड भी नहीं जा रही हैं। तो ये सारा जो है झटका सऊदी अरब को है, लेकिन इस झटके में और सऊदी अरब जो इस प्रॉब्लम में है तो पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा दरीना दोस्त है और सऊदी अरब के पास जो उनका अपना जखायर है, जो सऊदी अरब के पास अपने फॉरेन एक्सचेंज के जखायर हैं वो इतने हैं कि 2-4-6 अरब रुपए की वो उसके लिए माली मदद तो मैं नहीं कहूंगा, इतने किसी अंदाज में हमारे रिजर्व को अगर बढ़ा दे तो वो हमारे जमील अहमद खान साहब, ये तो एजेंडे पे पिछली दफा भी था सबका दौरे में, पहला जो दौरा था अगर उस वक्त तो हालात फिर बेहतर थे सऊदीया में, अब तो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर खशोगी वाला इशू भी है, इतने सारे लोग शिरकत भी नहीं कर रहे हैं, तो इतने महाजों पे सऊदीया भी फाइट कर रहे हैं, तब जब पहले दौरे पे गए थे तब ये हालात इतने कशीदा नहीं थे, अगर तब वो इतनी मीगर सी अमाउंट हमें नहीं दे सके तो फिर अब हम किस तवक्कोआत के साथ जा रहे हैं? बात ये है कि वो मैं जिस तनाजुर में बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे लिए हालात ज्यादा बेहतर है सऊदी अरब के पास जाने के लिए। अब तो बात है कि ये जिस जो प्राइम मिनिस्टर हमारे गए हैं वो तो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने की, लेकिन ऑन द साइड जाहिर है मीटिंगें होनी है और प्राइम मिनिस्टर खुद भी जिक्र करके गए हैं उसका, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब सऊदी अरब से ज्यादा प्रेशर है तो सऊदी अरब जाहिर है दूसरे जो उसके सबसे दरीना दोस्त है उन ममालिक की तरफ देखेगा बहुत सारी चीजों के लिए। सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर का मतलब है सऊदी अरब की सिक्योरिटी का मसला भी, क्योंकि खास ये जमाल खशोगी का जो मसला है इसमें सऊदी अरब में इंटरनल प्रॉब्लम भी पैदा होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रिंस जो पहले 3-4 प्रिंस हैं उनको भी इसी तरीके से मुख्तलिफ ममालिक से पकड़ के लाया गया था और उस पर भी बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी, कोई पहली मरतबा नहीं है। तो आप आज जमील साहब आप ये कह रहे हैं कि इस दफा हालात ज्यादा साजगार है पाकिस्तान के लिए, कहकर इस दफा हम सऊदी अरब से बात करेंगे तो चांसेस ज्यादा है कि वहां से किसी किस्म की मदद। देखिए मैं ये बात करना नहीं चाहता था लेकिन जिस तनाजुर में मैं कर रहा हूँ इशारतन बतला देता हूँ कि इसलिए इशारतन बतला देता हूँ कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है और इस वक्त प्रेशर में है और प्रेशर में है तो उसको सिक्योरिटी का प्रेशर भी ज्यादा बढ़ गया है अपने और सिक्योरिटी का प्रेशर भी ज्यादा बढ़ गया है तो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजरें उसकी बढ़ेंगी। जब पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजरें बढ़ेंगी तो जहर है पाकिस्तान की बात भी काफी हद तक सुनी जाएगी, कितनी मानी जाती है तो वक्त बताएगा लेकिन काफी बात हद तक सुनी जाएगी। और मैं मेरा तनाजुर ये था लेकिन जमाल खशोगी का केस जो है वो एक बहुत ही नया रूप धार गया है, नया एंगल धार गया है, क्योंकि उसमें दो तनाजुर सामने खड़े हो गए हैं, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कितना साथ दे सकेंगे,
अमेरिका की अपने प्रेशर में, और जब ज़्यादा साथ नहीं दे सकेंगे तो सऊदी अरब अपने आप को कमज़ोर जानेगा। आपने सुना होगा चंद दिन पहले ट्रंप ने जो बयान दिया था कि अगर हम अपनी सपोर्ट न करें तो ये एक हफ्ते से ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। और ये इस किस्म की डाइसी किस्म की सिक्योरिटी हालात सऊदी अरब में पैदा हो सकते हैं, और उस सूरत में सऊदी अरब जाहिर है जब देखेगा तो अपने बहुत दरिंदा दोस्तों की तरफ देखेगा, हम जैसे लोगों पर देखेगा। अभी तो आई थिंक दैट्स अ वेरी फेयर एंड वेरी वैलिड एनालिसिस जमील अहमद खान साहब। थोड़ा सा डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं। इकबाल साहब, हमें ये भी बताइएगा कि अगर चांसेस इस वक्त इस दफा बेहतर हैं कि हम सऊदीया के साथ अगर किसी किस्म की किसी निगोशिएशन में जाते हैं, आमतौर पर सर देयर इज नो फ्री गिफ्ट ना, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि जैसे माजी की हुकूमतों ने जब जब सऊदीया से इमदाद ली उसके बाद हमने देखा कि वाज़ह तब्दीली आई है, कभी उनका नैरेटिव यहाँ बिकता है, कभी कोई ना कोई एजेंडा उनका होता है। इस मरतबा इमरान खान साहब की हुकूमत जो कि कशकोल तोड़ने की बातें करती थी, आज वो भी सऊदीया में मौजूद है, एक नहीं दूसरी दफ़ा गए हैं, क्या हमसे तवक्कुआत हो सकती हैं सऊदी इस मरतबा अगर वो कोई बेल आउट पैकेज हमें देते हैं? आप देखिए ना जी, हमारी अगर आप जब पस मंज़र देखते हैं किस किस किस्म के ताल्लुकात रहे हैं हमारे सऊदी अरब के साथ, तो जब भी सऊदी अरब में किसी किस्म की वो उनको मुश्किलात हुई हैं तो पाकिस्तान ने उनकी मदद करी है। आपने देखा कि जब यमन की क्राइसिस थी, एक तरफ हुआ कि पार्लियामेंट में बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि हमें अपनी फ़ौज जो है वो सऊदी अरब नहीं भेजना चाहिए, हमें चाहिए कि हम अपने जो असर व रसूख हैं वो इस्तेमाल करें ताकि ईरान और सऊदी अरब में किसी तरीके से मुफाहमत हो जाए। लेकिन आपने देखा कि चंद एक महीने बाद हमने अपनी फ़ौज सऊदी अरब भेज दी, और अभी वहाँ पे तकरीबन पाकिस्तान की एक डिवीज़न जो है वो सऊदी अरब में है। तो हम जो है जब भी सऊदी अरब का कोई मसला होता है हम उनकी मदद करते हैं। जब 1990 में इराक ने कुवैत पे हमला किया तो पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज जो है वो सऊदी अरब भेजी कि खुदा नखास्ता अगर इराक जो है कुवैत के बाद सऊदी अरब के तरफ आता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, ये नहीं कि जी हम आपको $3-4 billion दे रहे हैं, अब आप बताएं आप हमें इस तो नहीं। लेकिन इकबाल साहब अभी देखें, अभी ये जो खशोगी वाला सर जो मामला चला हुआ है इसमें तो हालात, मतलब अगर हम स्ट्रेटेजिक अलायंस सऊदीया के साथ क्या हमारे इस मामले में होना भी चाहिए या नहीं, जबकि खुद अमरीका का इतिहादी सऊदीया का इतिहादी अमरीका जो है वो भी उसके खिलाफ हुआ चाहता है, तो इस दफा हालात से ज़्यादा गंभीर हैं, क्या स्ट्रेटेजिकली इस मरतबा जाने का डिसीजन ठीक था खशोगी के पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल ठीक था, अगर आप नहीं जाते तो वो डिसीजन खराब होता। उसके जो है मनफी असरात जो होते पाकिस्तान के ऊपर, सिर्फ सऊदी अरब में नहीं, सिर्फ हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ नहीं, हमारे ताल्लुकात इमारात के साथ जो हैं उन पे भी उसका मनफी असरात होते, हमारे ताल्लुकात बहरीन के साथ हैं उन पे भी होते, हमारे ताल्लुकात कुवैत के साथ हैं उन पे भी होते। और आप देखें हमें तकरीबन सालाना कोई $20 अरब जो है वो रेमिटेंसेस आती हैं, उन रेमिटेंसेस में 2/3 इन ममालिक से आती हैं। सिर्फ एक चीज ये है, दूसरी चीज आप देख लें वहां पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं या खुदा ना खास्ता सऊदी अरब है, कुवैत है, इमारात है, वहाँ पे अदम इस्तेहकाम होता है तो पाकिस्तानी जो हैं फिर उनको नौकरियां जो हैं खत्म हो जाती हैं और वो वापस पाकिस्तान आते हैं। ठीक है इकबाल अहमद खान साहब, मुझे एक वक्त के लिए कहा जा रहा है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब जब वापस आएंगे तो खुद सऊदी अरब जिस वक्त जिस प्रोपेगेंडा तो नहीं ख्याल करना चाहिए क्योंकि हकायक पर मबनी भी बड़ी तफासिल जो है वो आ रही हैं, तो वो जो जिस क्राइसिस में वो घिरा हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए क्या सऊदीया आसानी से बाहर निकल पाएगा, और उस दौरान इस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का होना, किंग सलमान का ये फैसला किस तनाजुर में है, इससे सऊदीया को क्या फ़ायदा होगा, इस पर ज़रा बात करेंगे। एक वक्त मेरे साथ लेंगे नाज़रीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जमील अहमद खान से सर ये बताइएगा कि ये सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब का इसकी टाइमिंग के हवाले से किंग सलमान ने क्यों इसकी कॉल दी है, क्या फ़ायदा होगा सऊदीया को?
देखिए पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए हमें, कि ये कॉन्फ्रेंस जो है ये पीरियोडिकल है, यानी हर साल की कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस स्टेज पे अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसको कैंसिल करते तो उसमें बड़ी सुबकी उनकी होती और बड़ी बदनामी होती, और बड़ी जो उनके अभी थोड़े बहुत अहदाफ हासिल होने हैं, जाहिर है पूरे अहदाफ नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ही कलीदी किस्म के चीफ एग्जीक्यूटिव्स नहीं आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाकी पांच ममालिक के वज़रा भी नहीं आ रहे हैं, तो उसमें वो टारगेट्स तो अचीव नहीं हो सकेंगे। लेकिन आपको याद रहे कि जो विजन 2030 मोहम्मद बिन सलमान ने दिया, MBS ने दिया है, उसमें एक मेगा सिटी में सिर्फ 500 बिलियन के इन्वेस्टमेंट है। तो लोग नहीं भी चाहेंगे अगर वेस्टर्न कंट्रीज के ज़्यादातर जो कलीदी लोग हैं नहीं आ रहे हैं, जो मिड लेवल के लोग हैं आ रहे हैं, बैंकर्स भी और दूसरे भी, एशिया के सारे आ रहे हैं। पुतिन ने कह दिया कि जी क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन अपना वो थे, परमानेंट रेजिडेंट थे जमाल खाशगी साहब, तो वो उस लिए हमारा उससे ज़्यादा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो हमारी टीम जाएगी, एशिया से तकरीबन सारी टीमें जा रही हैं, तो उस लिहाज से ये विजन 2030 में। मैं एक चीज ये भी आप दोनों से मेरा सवाल होगा, इकबाल साहब आपसे पहले सवाल कर लेते हैं। इकबाल साहब, क्या वजह है कि हमने देखा कि दुनिया में बड़े बड़े क्राइसिस होते हैं, लाखों हजारों लोग जो हैं उनकी मौत वाकई होती है, कत्ल होते हैं, यमन के अंदर देख लें, शाम में देख लें, लेकिन कभी भी इस एक शख्स की मौत से, इस एक खशोगी की मौत से ऐसा क्राइसिस सऊदीया के लिए बना है जो लाखों हजारों अफराद जो मौत के घाट उतार दिए गए उनकी वजह से नहीं बना? क्यों सर, इसकी क्या वजह देखते हैं? Why only one person's death is that big of a tragedy? नहीं, मेरे ख्याल से जी जिस नौइयत का ये क्राइसिस, तो वो और जिसमें के अमरीका का एक रेजिडेंट और अमरीका का एक कॉलमनिस्ट, एक जर्नलिस्ट, और जिस किस्म के हालात और जिस तरीके से उसका कत्ल हुआ है, इसने मेरे ख्याल से इसको इस किस्म की नौइयत जो है वो दे दी है। अब आप जिक्र कर रही हैं, आप काफ़ी आपका जो एम्फेसिस है वो इस पे है कि जैसे कि इसकी वजह से सऊदी अरब जो है उसको एक बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री जो है उस पर वो जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब जो है वो एक बहुत मेजर इकोनॉमिक प्लेयर है ग्लोबली, 10 मिलियन बैरल्स अ डे जो है ऑयल प्रोड्यूस करता है। अगर इनमें से कोई अमेरिका या यूरोपियन ममालिक जो हैं अगर किसी किस्म का उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है, तो आप देखेंगी कि तेल की कीमत कोई $130 जो है पर बैरल हो जाएगी, और उसकी वजह से जो महंगाई होगी अमेरिका में और यूरोप में और जापान में, जो कि एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के लिए बहुत अहम उनका उसमें रोल है। और अगर ये सऊदी अरब को ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तो सऊदी अरब के पास एक ही चैनल रह जाएगा कि वो फिर अपना रुख करेगा रूस के तरफ और चीन के तरफ। क्या अमेरिका चाहेगा, क्या यूरोप चाहेगा कि सऊदी अरब जो है उसकी जो टेंडेंसी है वो उस तरफ हो जाए? वो नहीं चाहेंगे ये चीज। आजकल जो आप देख रही हैं वो देख रही हैं कि क्योंकि एक ग्लोबल मीडिया में क्योंकि ऑपोजिशन में वेस्टर्न कंट्रीज में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की अबहोरेंस है कि इस किस्म के हालात, इस किस्म का जो चीज है इसको बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, तो इसलिए आप देख रही हैं ट्रंप को भी और जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी जो है इज नॉट कॉन्शियस ड्रिवन, बिल्कुल ठीक है, रियल पॉलिटिक ड्रिवन, इट इज रियल पॉलिटिक ड्रिवन। मेरे साथ जमील अहमद खान साहब आप मौजूद है सर, मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। सुन जमील साहब, यही सवाल आपके लिए सर कि इस एक सहाफी की मौत से वो क्राइसिस सऊदीया के लिए खड़ा हो गया, मतलब अमेरिका जैसा इत्तेहादी सऊदीया का लॉन्ग टर्म जो है वो इस किस्म की चीज़ें, और बात बिल्कुल ठीक है इकबाल अहमद खान साहब ने कि आप एक सर्टन हद तक वो प्रेशराइज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मुतहमल नहीं हो सकते प्रेशर के, तो फिर ये हो क्या रहा है सर? मुख्तसर देखिए इसमें, क्योंकि टर्की और सऊदी अरब के कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, टर्की कुछ अपने अहदाफ हासिल करना चाहता है, सऊदी अरब से ये जो अभी हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है, अगर सऊदी अरब 2 अक्टूबर को ही मान लेता तो कुछ नहीं होना था, क्योंकि 15 दिन के बाद ये माना है और टर्की के पास सारी एविडेंस आ गई है, तो दुनिया के इंटरनेशनल कानून के मुताबिक और ह्यूमन राइट्स के मुताबिक
पूरी की पूरी दुनिया कॉन्शियसली एपरेंटली ज़रूर इस बात को आवाज़ उठाती रहेगी, लेकिन जैसा कि एम्बेसडर इकबाल ने बात की है कि मुल्कों को अपने इंटरेस्ट को देखना होता है। 9/11 के बाद सऊदी नेशनल्स इन्वॉल्व थे 9/11 में, जैसा कि बताते हैं यूएस वाले, और उसके बावजूद सऊदी अरब को बेल आउट कर दिया था उन्होंने, तो इससे बड़ा केस तो ये नहीं है। बहरहाल इसमें, और ये पहली मरतबा भी ये नहीं है, इससे पहले प्रिंस बहुत सारे हैं जिनको उठा के ले जाया गया। मतलब इसका मतलब है सऊदी निकल आएगा इस क्राइसिस से, इस वक्त जो है वो ज्यादा प्रेशर जो किया जा रहा है वो सर्टेन नज़ाइम में उसके पीछे पड़ा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जमील अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों फॉर्मर करियर डिप्लोमेट्स फॉर्मर एम्बेसडर्स हमारे साथ मौजूद थे, देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे से जरा वापस आएंगे और बात करेंगे। ताजा तरीन खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई है, और जो कल उन्होंने कॉल दी थी कि जी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, यानी एस्टेब्लिशमेंट के बाद अब वो कह रहे हैं हुकूमत की ईंट से ईंट बजाई जाए, तो क्या अब जमहूरियत डीरेल नहीं होगी? आसिफ अली जरदारी साहब अब नवाज शरीफ से बातचीत के लिए क्यों आमादा है, इस पर जरा बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इमदाद सुबरो साहब मौजूद होंगे, वक्फा मेरे साथ रहिएगा। आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी साहब ने कल एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बाद अब ये कॉल दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजाने के बाद मफामत तक का सफर अब उन्होंने हुकूमत की ईंट से ईंट बजाने की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा है कि पूरी अपोजिशन जो है वो मिलकर तहरीक इंसाफ की 60 दिन की हुकूमत के खिलाफ जो है वो तहरीक लेकर आए, करारदाद लेकर आए, क्योंकि ये हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती, ये कोई काम नहीं कर सकती, लिहाजा इसको फारिग किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका हमेशा से जमहूरियत बचाओ तहरीक और कभी हुकूमत और जमहूरियत डीरेल ना करने के लिए एक प्रिंसिपल उनका स्टैंड रहा, अब ऐसा क्या हो गया जो यकदम ये कॉल आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से सामने आई है कि वो नवाज शरीफ साहब से भी इस पर बातचीत के लिए आमादा हो गए हैं? अभी रिसेंटली आज अभी कुछ देर पहले फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी साहब की, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जरदारी साहब को भी एहतसाब के दर पर किसी किस्म के कोई खदशात तो नहीं है? जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ हुआ उसको देखते हुए क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो चाहते हैं कि इस हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए? एंड क्या तरीके आपको किसी किस्म की इस हवाले से खतरा महसूस करने की जरूरत है या नहीं? उनके उनके लिए हालात आगे जाकर कशीदा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस पर जरा बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ लूं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी मुर्तजा वहाब साहब, एडवाइजर टू सिंध चीफ मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन लॉ एंड एंटी करप्शन। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा वहाब साहब आपकी आमद का। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट इमदाद सुमरो साहब। मुर्तजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। मुर्तजा साहब, सर हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रिंसिपल स्टैंड रहा, अब ऐसा क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब से भी बातचीत करने के लिए आमादा है और सिर्फ 60 दिन की हुकूमत को जरदारी साहब जो है वो कह रहे हैं इसके खिलाफ करारदाद लेकर आई जाए, क्यों? बहुत शुक्रिया मारुख। देखिए पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर करूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है या सदर आसिफ अली जरदारी ने स्टेटमेंट दिया है पीटीआई हुकूमत के खिलाफ, तो कोई जमहूरियत के खिलाफ बात नहीं की है। हम समझते हैं, हमारी पार्टी का ये उसूली मौकफ है कि ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही कन्फ्यूज गवर्नमेंट है। इस गवर्नमेंट को पता नहीं है कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, उन मसाइल का हल कैसे तलाश किया जाएगा। ये गवर्नमेंट सुबह में फैसला कुछ करती है, दोपहर को उस फैसले को चेंज करती है और रात को फिर फैसले को चेंज कर चुकी होती है। इसके बुजरा में कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आती। वजीर आजम कभी कुछ स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, वजीर खजाना कुछ और स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। जिस जमाने में ये ऑपोजिशन की सियासत कर रहे थे, इनकी पॉलिसीज, इनका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, और आज हुकूमत में इख्तदार मिलने के बाद इनकी पॉलिसीज और इनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है। हम समझते हैं कि बिल्कुल ये बात सही है कि सिर्फ 60 रोज इस हुकूमत को आए हुए हैं, लेकिन मारूफ देखें ये जो 60 रोज होते हैं, जो अर्ली डेज होते हैं, ये हुकूमत का एजेंडा बताते हैं, ये हुकूमत का डायरेक्शन का तायुन करते हैं। जो हुकूमत 60 रोज के अंदर अपनी डायरेक्शन का तायुन नहीं कर पाई है, तो मैं समझता हूँ वो अगले आने वाले रोज में क्या करेगी। जिस तरीके से उनकी कंफ्यूजन से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है, मैं समझता हूँ इसके लिए कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। मुर्तजा वहाब साहब, लेकिन तनकीद निगार ये कहते हैं कि जेल जाने के खदशात हैं आसिफ अली जरदारी साहब को, इसलिए वो नवाज शरीफ साहब से, हालांकि कितने ऐसे मोमेंट्स गुजरे जब शायद कोई पैचअप हो सकता था लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि खुद को खतरे में महसूस कर रहे हैं, लिहाजा नवाज शरीफ से भी बातचीत के लिए जो है वो आमादा नजर आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मारू, पहले मैं वो बात कम्प्लीट कर लूँ कि ये हुकूमत की इनएफिशिएंट पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा है कि डॉलर आपका डीवैल्यू हो गया, रुपीज डीवैल्यू हो गया डॉलर के मुकाबले में 9.5 रुपए, आपकी स्टॉक मार्केट में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा है आपकी मईशत को, कोई क्लैरिटी, कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करिए। अब आ जाए आप जरदारी साहब के स्टेटमेंट को,
देखिए मारुख, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप ऑपोजिशन में बैठ के हुकूमत को उसकी गलत पॉलिसीज पे तभी सही तरीके से क्रिटिसाइज कर पाएंगे जब ऑपोजिशन भी एक पेज पर मुत्तहिद होगी। तो जरदारी साहब ने माजी में भी ऑपोजिशन जमातों को यकजा किया है ताकि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर सके। उन्होंने माजी में जब हुकूमत में थे तब भी आपको याद होगा 18वीं तरमीम के लिए एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट उन्होंने क्रिएट किया था तमाम पार्टीज को एक साथ देके। तो मैं समझता हूँ वो जो बात उन्होंने की है वो बात इख्तदार की खातिर नहीं की है, वो रियासत पाकिस्तान की खातिर की है, क्योंकि वो समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो खान साहब की पॉलिसीज है वो पॉलिसी कोई है ही ठीक नहीं। फेयर एनफ, आपका पॉइंट बिल्कुल पॉइंट आपका समझ में आ गया। मेरे सवाल का जवाब भी कि क्या जेल जाने से खायफ है इसलिए आप बातचीत पर आमादा है, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ जो हुआ, नवाज शरीफ के साथ जो हुआ, बार बार इमरान खान साहब कहते हैं कि अगली बारी जरदारी। अच्छा देखिए मारुख, 11 साल वो शख्स जेल में गुजार चुका है, उसने अपनी जवानी जेलों में दे दी, वो अपनी बीवी के साथ वो शख्स नहीं रहा, अपने बच्चों के साथ नहीं रहा, तो इस तरह की बातें करना कि वो जेल से घबरा गए, मैं समझता हूँ ये बड़ा अनफेयर स्टेटमेंट है। ना जरदारी साहब और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई और लीडर जेलों से और इस तरह की साजिशों से घबराता है। सेहत इजाजत नहीं देती ना कि आप जेल, वो तो जवानी थी, चले आप तो जरदारी साहब एज है, एक एज फैक्टर भी है उसमें। मारुख, बहादुर आदमी बहादुर होता है, चाहे वो 30 साल का हो या 60 साल का हो। मैं समझता हूँ ये इसके लिए बहादुरी के साथ साथ आपको जज्बा चाहिए होता है चीजों को बेयर करने का, क्योंकि वो माजी में कर चुके हैं इन चीजों से, ना वो माजी में घबराए, मैं समझता हूँ आज भी वो घबराएंगे नहीं। और आप देखिए आज भी जरदारी साहब के चेहरे पे परेशानी नजर नहीं आती, वो एक मुस्कुराहट है जिसके साथ वो हर चीज का सामना करते आ रहे हैं। ओह यस, दैट मिलियन डॉलर स्माइल, एब्सोल्युटली। ठीक है मुर्ज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, आपका सारा मुद्दा हमारे सामने आ गया। आप जरा सीनियर साफी इमदाद सुमरो साहब से हकायक जानने की कोशिश करते हैं। इमदाद सुमरो साहब पैदा हो गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब एकदम नवाज शरीफ साहब से बातचीत के लिए, ईंट से ईंट अब हुकूमत की बजाना चाहते हैं। मुर्ज़ा वहाब जो है वो ये कह रहे हैं कि तरीका साहब की हुकूमत जाने से जमहूरियत डीरेल नहीं होती है, दो सेपरेट चीजें, लेकिन माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंड इसके बरखिलाफ रहा, हुकूमत दे मतलब जमहूरियत भी साथ ही गई। अब मुझे बताइए कि हकायक क्या है, आसिफ अली जरदारी साहब क्यों आमादा है इस वक्त? मारुख साहबा, मुर्ज़ा वहाब साहब से इंतहाई एहतराम के साथ मैं उनकी काफी बातों से इख्तलाफ करते हुए जी, इनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है, दोस्त है मेरे, और सिंध गवर्नमेंट के चंद जो अच्छे चेहरे हैं, जो साफ सुथरे लोग हैं, उनमें से इनका शुमार होता है। लेकिन इनकी भी बदकिस्मत ये है कि इनको एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसी जमात की अब उनके स्पोक्समैन का इनको किरदार निभाना पड़ता है, जो इनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रहा है। जरदारी साहब को बिल्कुल क्लियर अब नज़र ऐसे आ रहा है कि जैसे ये JIT की तहकीकात अपने उरूज पे पहुंची है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में आपने कार्रवाई देखी, FIA के जो कार्रवाई देखी, उसके बाद उनकी जो 52 प्रॉपर्टीज है डिफेंस और क्लिफ्टन में, उनका मामला भी सामने आ रहा है, तो इनको अब ये जमहूरियत परस्ती और जमहूरियत और ये सब कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करूँ कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने थोड़े ही अरसे में बिल्कुल लोगों को मायूस किया है, खास तौर पे NFC का मामला हो, 18वीं तरमीम का मामला हो, तो इस पर उनको रीथिंक करना चाहिए। ये एक ऐसी चीजें हैं, एक ऐसी अचीवमेंट है, इनको अगर ये डीरेल करने की या पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो इनका शुमार किसी अच्छी हुकूमत में नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब 60 दिन की हुकूमत को ये कह रहे हैं कि बैड गवर्नेंस हैं और ये इनकॉम्पिटेंस है, लेकिन इनकी जो 10 साल हुकूमत है, जिसमें 5 साल वफाक के हैं और 10 साल सिंध की जो हुकूमत है, उसमें बैड गवर्नेंस तो थी नहीं, वो तो नो गवर्नेंस थी। आज भी सिंध का हाल बुरा है, किसी भी शोबे में इनका कोई काम नहीं है। 70 UNO की रिपोर्ट है कि 75% जो सिंध के लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों की अमवात का रेट देखें। अब इनकी जमहूरियत परस्ती वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने नवाज शरीफ के साथ इन्होंने साइन किया था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, लेकिन बाद में बैक डोर से जाकर जनरल मुशर्रफ से जाकर इन्होंने NRO किया था। और आसिफ जरदारी साहब शायद पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। NRO के सबसे बड़े बेनिफिशरी ये थे कि इनके करप्शन के केसेस ख़त्म हुए थे, जो बाद में 2009 में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस NRO को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया था। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, वो मूवमेंट का सिर्फ मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का ध्यान अपने पास कराने के लिए कि हमारे साथ डील करें, अदरवाइज़ हम नवाज शरीफ के साथ बैठ के हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो,
स्पीकर का इलेक्शन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, तो आसिफ जरदारी की वहां पर जमहूरियत परस्ती कहां गई? वहां पर ये नवाज शरीफ के साथ या नवाज लीग के साथ या मुत्तहिद अपोजिशन के साथ क्यों खड़े नहीं हुए थे? उस वक्त ये इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे का किरदार अदा किया था, और अब जब इनके अपने करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं तो इनको जमहूरियत परस्ती भी याद आ रही है, जमहूरियत पसंदी भी याद आ रही है। इनकी जमहूरियत पसंदी का मकसद जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की एक जमायत थी, जो पाकिस्तान की बड़ी डेमोक्रेटिक जमायत थी, आजकल सिर्फ एक फैमिली की करप्शन को बचाने की जमायत रह गई। अच्छा, मुझे बताइए सर, ये बताइए कि अब क्या हुकूमत के लिए भी कोई खतरे की घंटी बज सकती है इस पूरे मामले से? क्या वाकई ऑपोजिशन ऑपोजिशन के आसिफ अली जरदारी की कॉल के ऊपर लबैक कहेगी? क्या उसके कोई उसका कोई इम्पैक्ट आएगा? क्या वाकई हुकूमत को घर भेजना अगर ये अपोजिशन मिलकर करारदाद लेकर आती है, इज इट अ पॉसिबिलिटी, मुमकिन है? नवाज लीग को सोचना पड़ेगा। आसिफ जरदारी का गुज़श्ता दो तीन महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ख़ास तौर पे ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने तीन मौके पे बिट्रे किया है मुत्तहिद अपोजिशन के साथ। लेकिन उन सब बातों के बाद अगर नवाज लीग एक दफ़ा फिर धोखा खाना चाहती है तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर ये साथ बैठते हैं तो यकीनन ये इमरान खान की हुकूमत के लिए एक परेशानी का सबब तो बन सकते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती राय यह है कि इमरान खान को जिन कुव्वतों की बैकिंग है, तो इसलिए इमरान खान की हुकूमत को या पीटीआई की हुकूमत को फिलहाल कोई ऐसा खतरा इनके तरफ से नहीं है। तो फिर जरदारी साहब इतनी कच्ची गोलियां तो नहीं खेलते सर? वो भी अगर वो डील की खातिर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुनवाई तो हुई होगी कि हाँ यार शायद कोई डील मुमकिन हो। बस ये तो वो जो उर्दू का एक शेर है कि हमें भी देखें, हम भी पढ़े हुए राहों में, ये इस तरह की एक कोशिश है कि शायद हमारी कबूलियत हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, शायद हमें कोई नया पॉलिटिकल एनआरओ मिल जाए, क्योंकि पॉलिटिकल एनआरओ के सिवा इनका बचना बिल्कुल महाल है। आज की मैं बात बताऊं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जेआईटी में जो जितने लोग शामिल हैं, एफआईए वाले, आईएसआई के लोग शामिल हैं, उन्होंने चीख चीख के कहा कि सिंध गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमको तावर नहीं कर रहे, हमें रिकॉर्ड नहीं फराम कर रहे। मारुख साहबा, मैं आपको बताऊँगा कि जब जेआईटी को एफआईए को ये 10 साल का रिकॉर्ड जाएगा तो ये तूफान नहीं आएगा, एक बड़ा भोंचाल आएगा। ये जो 35 अरब रुपए के से ये जो काम शुरू हुआ था और 20 अकाउंट से ये काम शुरू हुआ था, अब ये 107 अकाउंट तक पहुंचा है। और मेरी जो तहकीकात है, मैंने जो इस पे काम किया है, जो पेपर्स मैंने देखे हैं, ये 500 अरब रुपए से ज़्यादा की जो है करप्शन का एक मामला है। ये सारे मामले हैं, सारी जो जमहूरियत पसंदी है, ये सिर्फ ढोंग है, और ये सिर्फ इसलिए है कि अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में कबूल कराना चाहे। क्या इसका मतलब है कि अगर 18वीं तरमीम के मामले के ऊपर अगर पाकिस्तान पार्टी किसी तरीके से अपनी रजामंदी दे देती है तो क्या कोई डील मुमकिन है? 18वीं तरमीम के हवाले से हम खबरें सुन रहे हैं ना कि अगर उसके ऊपर आमादगी जाहिर कर दीजिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ को तावुन करती है इस मामले पर, क्या कोई रिलीफ मिल सकता है आसिफ अली जरदारी साहब को? अच्छा मारुख साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से गवर्नमेंट का मौकफ तो कोई ऑफिशियल मौकफ तो सामने आया ही नहीं है। ये तो फैसल वावड़ा साहब है, उनको आपका भी पता है कि वो कितने सियासी आदमी हैं, वो ऐसे ही छोड़ते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं सिंध का पानी बंद कर दूंगा, कभी वो कहते हैं कि सिंध वाले कराची का, उनको शायद ये नहीं पता है कि कराची सिंध का ही हिस्सा है और सिंध का ही दारुल खुलाफा है। ठीक नहीं हुआ ऑफिशियल होगा मामला तो फिर इसके ऊपर बातचीत की जाएगी, लेकिन कुछ खबरें ये भी है कि शायद अगर इस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लचक दिखाई तो ऐन मुमकिन है शायद किसी किस्म की रिलीफ आसिफ अली जरदारी साहब को मिल सके। बाहर कैब जी नाजिन प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इमदाद सुमर साहब शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिन कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।